गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब्स। तो इस डिफरेंस में पहला डिफरेंस है, पाइप जो है आईडी से मेजर होते हैं, यानी ये आपका पाइप अगर है तो इसका जो आईडी है यानी इनर डायमीटर, ये मेजर करके हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पाइप है। और वैसे ही ट्यूब्स में जो है वो हम ओडी यानी आउटर डायमीटर मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन, तो इसका ओडी और बाद में इसका थिकनेस, तो ओडी से मेजर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्यूब्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, पाइप जो है अलग अलग थिकनेस के वो डिफरेंट शेड्यूल में आते हैं, और वही जो अपने ट्यूब्स है वो मेजर होते हैं इंचेस और एमएम में। उसके बाद में पाइप का जो मैक्सिमम साइज है वो है 80 इंचेस। 80 इंचेस तक आप पाइप फैब्रिकेट या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उससे अगर बड़ा साइज है तो उसके साथ डिजाइन के हिसाब से उसे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। वैसे ही जो भी ट्यूब्स होते हैं 6 इंचेस तक उनका फैब्रिकेशन होता है, 1 to 6 इंचेस। उसके बाद में पाइप जो है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, और उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। उसके बाद में ट्यूब्स का जो है वो मे बी सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर और एनी अदर शेप में हो सकते हैं। उसके बाद में ट्यूब्स जो है वो हम डिफरेंट मीडिया यानी जैसे फ्लूइड्स लाइक वाटर, ऑयल, गैस, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। और वही जो है ट्यूब्स जो है मोस्टली यूज होते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर्स इन कंस्ट्रक्शन एरिया और मशीन इक्विपमेंट में। वैसे पावर प्लांट में भी ट्यूब्स यानी बॉयलर में ट्यूब्स यूज होते हैं, तो वहां पे भी ट्यूब्स का हम यूज कर सकते हैं या करना पड़ता है। उसके बाद में पाइप में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो एक इजी प्रोसेस है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बल्क में होता है। और वही अगर ट्यूब का देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें कि बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं, बहुत सारे इंस्पेक्शंस होते हैं। वही अगर ट्यूब का हम देखें तो वो लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी जो भी एक्सपेंसिव रहेंगे वो लेस रहेंगे, और वहां पर ट्यूब में जो है मोर एक्सपेंसिव रहेंगे ड्यू टू टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स प्रोसेस। तो ये है कुछ बेसिक डिफरेंस पाइप और ट्यूब्स में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस रहता है। थैंक यू।